सड़क जो यातायात सुविधा बनाते हुए गांव को जोड़ते राज्य को जोड़ते हैं, जिसे विकास में प्रमुख माना गया है, जिसका मैपिंग पढ़े लिखे इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है, फिर भी उस विकास के दोषपूर्ण की डिजाइन की चपेट में आ जाने से हजारों हजार परिवारों के लिए विस्थापन की भी समस्या उत्पन्न करता है। इंडो नेपाल बॉर्डर रोड जो बंगाल से होते हुए बिहार से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए मैपिंग किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पर ग्राम सरफरवा में करीब 40 घर, ग्राम जमहौली राजस्व गांव में करीब 20 घर, ग्राम हरकाटवा करीब 5 घर रोड की चपेट में आ रही हैं, जिसका मैपिंग करने के बाद पिलर गाड़ दिया गया है, जिसके लिए गृह मालिक एवं जमीन मालिक से ना ही लिखित तौर पर आदेश प्राप्त किया गया है और ना ही किसी मुआवजा के संबंध में बात किया गया। आज समस्या ये है जो इंडो नेपाल सीमांत रोड जो निकला है, ये हमारा गांव को पूरा ले लिया है, जहाँ की बगल में दोनों बगल में खाली जगह रहते हुए इतना टेढ़ी लिया है। इसका नक्शा के साथ हम दिखा सकते हैं, ये जो लाल रंग का जो आप नक्शा में देख रहे हैं, ये सरकार का द्वारा इस पर पिलर हला है 100 फुट चौड़ा पर जी। लेकिन हम लोग एक हरा रंग का जो नक्शा इस पर डाले हैं, इस तरह अगर रोड बने तो चारों गांव बच जाता है और रोड भी 2 किलोमीटर का कमी में बनता है। तो सरकार का उसमें 6 करोड़ पर किलोमीटर में टेंडर है, 2 किलोमीटर में 12 करोड़ बचेगा सरकार को, अच्छा तो गांव भी उजड़ने से बचेगा। मुख्य तौर पर सरफरवा के लोग जो पूर्वी पाकिस्तान से आए, जो लोग एक बार पहले विस्थापन जैसी भयावह समस्या झेल चुका है और फिर से इस प्रकार की समस्याओं को देखकर खौफ में जी रहे हैं। हम लोग शरणार्थी है, पूर्वी पाकिस्तान से हम लोगों को यहाँ बुलाया गया, 1956 में यहाँ सरकार भारत सरकार बैठा है, हमको भारत सरकार शरण दिया हुआ है, आज फिर शरण दिया हुआ आदमी को फिर उजाड़ कैसे सकता है। ऐसे हम तो सब जगह एप्लीकेशन कर दिया है, दिल्ली प्रेसिडेंट को दिए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को दिए, राष्ट्रीय मार्ग मंत्री पीसी जोशी जो था तब दिए, फिर यहाँ पटना में हम दिए, नीतीश कुमार को दिए, मुख्य सचिव को दिए और डीएम को तो कई बार दिए हैं। मैं इस समुदाय में से इस क्षेत्र की एक जिंदा नागरिक होने के नाते मैं चाहूँगी कि फिर से रोड की सर्वे हो, जिससे सड़क की दूरी भी कम हो सके और गांव भी बच जाए और सीधा रोड भी निकल जाए। मैं इस समस्या को लेकर वीडियो बना रही हूँ, जो भाई बहन देखेंगे जिला पदाधिकारी अभय कुमार से संपर्क करेंगे, जिनका नंबर है 94731-91294। इस नंबर में कॉल करके आप हमारी मदद करें। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।